हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। आपां कर रहे सी थर्ड क्लास दी मैथ्स दी बुक दा थर्ड चैप्टर मल्टीप्लीकेशन। ते आओ हुण आपां अगे वधदे हां। प्रैक्टिकल एक्टिविटी गतिविधि दिती हुई है इत्थे। ऑब्जेक्टिव की है, उद्देश हैगा राइट मल्टीप्लीकेशन टेबल, यानी कि गुणा दे टेबल लिखने ने। मटीरियल सामग्री जो चाहिए है समान पेपर प्लेट एंड कलर्स, पेपर दी प्लेट ते रंग। प्रोसीजर विधि या तरीका, नंबर वन ड्रॉ लाइंस ऑन पेपर प्लेट एज शोन, यानी कि पेपर दी प्लेट लेके इदां करके तुसी लाइनां ड्रॉ कर दियां ने। आ देखो एक गोल चक्कर ते उहदे आले दुआले इदां करके लाइनां ड्रॉ करनियां ने। इन द सेंट्रल सर्कल राइट एनी वन डिजिट फ्रॉम 2 to 5। ये जड़ा विचकारला चक्कर हैगा है, इस दे विच कोई भी एक अंक लिखना है 2 to लेके 5 तक। या तो 2 लिख दो, या 3 लिख दो, या 4, या फिर 5 लिख दो। कोई भी एक नंबर ऐसे लिख दो। दैट टेबल विच द चाइल्ड हैज टू डू, जेड़े भी नंबर दा टेबल तुसी लिखना है वो विचकार लिख दो। जिवें मान लो तुसी 2 दा लिखना है तां इत्थे 3 दी थां ते तुसी 2 लिख दोगे। जे तुसी 4 दा लिखना है तां इत्थे 4 लिख दोगे। जे तुसी 5 दा टेबल लिखना है तां इत्थे 5 लिख दोगे। नाउ राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 इन द नेक्स्ट सर्कल। हुण अगले चक्कर दे विच 1 to लैके 10 तक तुसी काउंटिंग लिखनी है। आ देखो पूरे सर्कल दे विच काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। टेल द स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई एंड कंप्लीट द टेबल। हुण विद्यार्थियों नूं कहो भी गुणा करन ते चक्कर नूं सर्कल नूं पूरा करन। हुण गुणा किवें करना है, आ देखो ध्यान नाल। जिवें कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12, 3 multiplied by 5 is equal to 15. 3 multiplied by 6 is equal to 18. 3 multiplied by 7 is equal to 21. 3 multiplied by 8 is equal to 24. 3 multiplied by 9 is equal to 27. 3 multiplied by 10 is equal to 30. ठीक है, उदा ही आपां हुण अगले चक्कर दे विच करांगे। इत्थे लिखिया होया 2 दा टेबल। चलो शुरू करदे हां। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, 2 multiplied by 7, 14, 2 multiplied by 8, 16, 2 multiplied by 9, 18, 2 multiplied by 10, 20. इत्थे हैगा 5 दा टेबल। शुरू करते हैं। 5 multiplied by 1, 5, 5 multiplied by 2, 10, 5 multiplied by 3, 15, 5 multiplied by 4, 20, 5 multiplied by 5, 25, 5 multiplied by 6, 30, 5 multiplied by 7, 35, 5 multiplied by 8, 40, 5 multiplied by 9, 45, 5 multiplied by 10, हो गया 50। ये हो गया साडा 5 दा टेबल। अगे है टिप्स फॉर टीचर, अध्यापक दे लई सुझा। आस टू राइट डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। एदा करके चक्कर बना के बच्चों नू वक वक मल्टीप्लीकेशन दे टेबल लिखन लई प्रोत्साहित करो। द टीचर कैन आस्क टू कलर द पेपर प्लेट्स विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्प्ले देम इन द क्लासरूम। अध्यापक ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ठीक है, आगे है लेट्स काउंट द करेंसी नोट ऑफ ₹10। 10 दे करेंसी नोट किन्ने हैगे ने, किन्ना अमाउंट बनता है उसनु गिनते हैं। एक नोट हैगा 1 × 10 = 10। दो नोट हैगे ने 2 × 10 = 20। 1, 2, 3, 4 चार नोट हैगे ने ते मैं इथे लिखता 4 × 10 = 40। अगे गिनते हैं किन्ने नोट हैगे ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 × 10 = 60। 6 tens are 60। अगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 × 10 10 10 ਦੇ ਨੋਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕ ਦ ਕਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਰਿਹਾ 0, ਟਿਕ ਮਾਰਤਾ। ਨਹੀਂ, 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। 5 ਨਹੀਂ, 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੋ। 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੋ। 6 ਨਹੀਂ, 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੋ। 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ। 9 9 0 yes, 6 no, 0 yes, 8 no। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 10 ਐਂਡ ਵਿਦ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਲਰਨ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਵਿਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ। ਆ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 20 × 2 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਪਲੇਸ। ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 1s ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ 0, 10s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2। ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ, ਇਹ 2 ਹੈਗਾ, ਇਹ 1s ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 1s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 by 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 × 0। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 1s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 by 2, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ 2 × 2, 2 2s are 4, ਉਹ ਆਪਾਂ 10s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 × 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 40। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 10 × 2, ਪਹਿਲਾਂ 1s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 × 0, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 × 2। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ 0 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 2 × 1 ਇਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 20। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲਾ 40 × 3, ਪਹਿਲਾਂ 1s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। 0 × 3, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ 4 × 3, 4 × 3, 12 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12। 2 10s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 100s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ 50 × 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 1s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 0। ਹੁਣ 10s ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 5 × 2 ਜਾਂ 2 × 5 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 10।
अगला चलते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। वंस वाले नु मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, हुन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3s आर 6, आंसर आ गया जी 6। अगला 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, वंस वाले नु मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0, हुन डेटा करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया जी 5। अगला 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, पहला एना नु मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 0, हुन डेटा करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 2 3s आर 6 या 3 2s आर 6, आंसर आ गया 60। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, वंस वाले नु मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, क्योंकि किसी भी नंबर नु 0 नाल मल्टीप्लाई कितना 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, 3 4s आर 12। अगला है 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, वंस वाले नु मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 आ गया, हुन 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 30, 6 5s आर 30। अगला 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगला 8 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया साडे कोल 8, आंसर 80। 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, वंस वाले नु मल्टीप्लाई कितना पहला, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0, फिर डेटा करके मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20। 80 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 32। 70 मल्टीप्लाइड बाय 2, वंस वाले नु मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आ गया 0, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 2s आर 14 ते आंसर आ गया 140। ओदा ही एथे है, लेट्स लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी कि वड्डी संख्यावां दा गुणा करना। हुने मैडम कह रहे ने, अ नेकलेस हैज 23 बीड्स, एक जेड़ा माला हैगी है ओदे विच 23 यानी कि 23 मोतियां मणके हन। How many beads do five such necklaces have? ते अजेहे पांच हारां दे विच किन्ने मणके होंगे? हुन how can we do it? हुन ए आपा किवे हल कर सकते हैं? आपा की करांगे? 23 नू लिख दांगे 20 plus 3. सौखा हो गया? 20 plus 3 लिखता? हुन देखो, 20 नू एथे लिखता, 3 नू आपा एथे लिखता। इनू मल्टीप्लाई करना है आपां 5 देना, डब्बा बनाता 20 ते 3 ते इत्थे इन्हें गुणा करना है दोनों नंबरां नू 5 देना। पहला आपां गुणा करांगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, 5 नू 20 दे नाल, आ देखो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। पहला इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई कीता, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर आ गया जी 0 साडे कोल। हुन एना दोनों नु मल्टीप्लाई करांगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर आ गया 10, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया 100। 5 3s आर सानू पता है कितना हुंदा है 15। हुन की करना है, दोनों नु ऐड कर दो, 100 दे विच जे तुसी ऐड करोगे 15, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 0 1, A1 इतना दा इतना थले आ गया, आंसर आ गया 115। है कि नहीं सौखा, 0 दा मल्टीपल बना के तोड़ लो। हुन इत्थे दित्ता होया टिप्स फॉर टीचर, अध्यापक दे लई सुझाव,
to develop the concept of multiplication by splitting the numbers and by using activity. यानी कि संख्यावां नूं वंड के एक गतिविधि राही बच्चों नूं इह समझाया जा सकता है वी वड्डे नंबरां नूं किवें गुणा करीदा है. Multiplication taught with the traditional method poses a barrier in the understanding for the students. Yani ki je apan aam tarike de naal multiplication sikhaunde ha ta bachyan nu kai baar mushkil aundi hai ta eh tarika vadhiya hai ga. Ask them to multiply in mind or by guessing, then finally ask the question. Ohna nu man de vich apne multiply ya guna karan de layi kaho ते फिर उस प्रश्न का आंसर पूछ लो पेन पेपर वर्तो किते दिन. चलो हुन आपां करके देखते हैं. क्वेश्चन है, देयर आर 32 फ्लावर्स इन अ बेड. एक बिस्तरे ते 32 या 32 फूल हन. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 3 सच बेड्स. ते अजिहे 3 बिस्तरियां ते कुल किन्ने फूल होंगे. हुन 32 नु आपां लिख सकते हैं 30 प्लस 2 करके लिख सकते हैं. देखो 30 प्लस 2 वक करता खोलता ते हुन 3 दे नाल इनू मल्टीप्लाई करना है डब्बे विच लिख के. तुसी लिख सकते हो नंबर ऑफ बेड्स किन्ने बिस्तरे ने 3. वन बेड हैज फ्लावर्स. एक बिस्तरे ते किन्ने फूल हन 32. यानी कि दोनों नु मल्टीप्लाई करना है सी ता टोटल फ्लावर्स किवे आंगे 32 मल्टीप्लाइड बाय 3. हुन चलो शुरू करते हैं. आ लिखता आपा 32 नु खोल के स्प्लिट करके 30 ते इथे आ गया 2. हुन इनु 3 दे नाल मल्टीप्लाई करना. चलो करते हैं. 30 नु मल्टीप्लाई करो 3 दे नाल. 0 मल्टीप्लाइड बाय 3. इना दोनों नु सॉल्व किता आंसर आ गया जी 0. फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर आ गया जी 9. ते इथे आपे लिखता 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6. 90 प्लस 6 कितना हो गया 96. अगला आपा चलते हैं. 90 दे विच 6 ऐड करना है ना. अगे है 1 आइसक्रीम कॉस्ट्स रुपीस 55. एक आइसक्रीम की कीमत हैगी है 55 रुपीस. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच आइसक्रीम्स. अजिहियां 5 आइसक्रीम्स की कॉस्ट लपो. 55 नु आपां लिख सकते हैं 50 ते 5. खोलता मल्टीप्लीकेशन का साइन भी मारता इथे लिखता 5. हुन पहला इन्हां दोनों नु मल्टीप्लाई करांगे. 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 सौखा है. 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25. ये आ गया 250. ते 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया साडे कोल 25. हुन 250 दे विच आपा ऐड करने ने 25. 5 प्लस 0 5. 5 प्लस 2 6 7. 2 ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 275. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 50 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੇੜੇ ਆਏਗਾ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 300. 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ. ਉਹੀ ਹੋਇਆ 275 ਆ ਗਿਆ. ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. A chalk box contains 43 chalks. एक चौक दे डब्बे दे विच 43 चौक ने. मान लो मोटा मोटा इत्थे 40 ला लैंदे आ. How many chalks do 3 boxes have? ते 3 बक्सियां दे विच किन्ने चौक होंगे? 40 मोटा मोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर आ गया 120. यानी कि लगभग 120 दे नेड़े तेड़े या 150 दे नेड़े तेड़े थोड़ा आंसर होना चाहिए. 43 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ 40 ਤੇ 3. ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ. 40 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3. ਇਹ 0 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 0 ਆ ਗਿਆ. 4 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 12 ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ
मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया 9। दोनों नू ऐड किया आंसर आ गया 129। इतने आ गया 43 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर आ गया 129। ठीक है, इन्ने चौकस होंगे टोटल 3 डब्बियां दे विच। ठीक है बेटा, ए सी अज दी क्लास, हुन आपां अगली क्लास दे विच मिलांगे। तद तक प्रैक्टिस करते रहो ते टेक केयर, बाय बाय।